हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन चिली, जो खाने में बहुत टेस्टी, बहुत यमी। आप एक बार ज़रूर बनाइए, आपके घर में सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। हमने लिया है 1.5 किलो चिकन, जो छोटे छोटे पीस में करा लिया है। आप चाहे तो विद बोन या बोनलेस भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच अरारोट, 1 चम्मच विनेगर, 4 बड़े चम्मच टमाटो सॉस, 4 नींबू के रस, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच दही और 4-5 प्याज और 4 बड़ी शिमला मिर्चें, 5-6 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्चें, 2 चम्मच मैगी मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक अपने टेस्ट के अनुसार। ये मैंने फूड कलर ऑरेंज वाला लिया है, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे इसको। सबसे पहले मैं जो धनिया और मिर्चों को मोटा मोटा पीस लेंगे मिक्सी में। ये मैं अपने स्टाइल में चिली चिकन बना रही हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने मसाला पीस लिया है। सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर जो हमने ग्रीन मसाला पीसा था उसको डालेंगे, सारे मसाले डाल देंगे अपने, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा मसाला हमारे पीसेस में लग जाए अच्छे से, 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये विनेगर डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच दही, गाढ़ा गाढ़ा दही लेना है, 2 चम्मच अरारोट, इससे मसाला हमारा चिपक जाएगा अच्छे से। कई लोग अंडा भी डालते हैं, मैंने इस अंडा यूज़ नहीं किया है। एक बार इसको घर में आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो हमने 4 नींबू का रस लिया था, उसमें 1/2 चम्मच मैंने फूड कलर ऑरेंज वाला मिलाएंगे इसमें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है चिली में। ये हम इसमें मिला देंगे, इसको हमें लास्ट में डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नींबू का, हरी मिर्ची का, हरा धनिए का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हम इसको फ्रिज में रख देंगे, आप चाहे तुरंत भी बना सकते हैं। शाम को बनाना है तो तब भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने 1 घंटे फ्रिज में रख दिया है। ये देखिए 1 घंटे बाद फ्रिज से निकाला, अच्छे से मसाला लग गया है इसमें, सारे मसाले की कोटिंग अच्छी हो गई है। अब हम कढ़ाई में तेल चलाएंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे एक एक पीस करके। ये देखिए एक एक पीस करके डालेंगे इसको, डीप फ्राई करेंगे इसको, सारे पीस डाल देंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको हम हिलाएंगे नहीं। पहले हमें तेज फ्लेम पर चढ़ाएंगे, बाद में इसको हमें मीडियम कर देना है, स्लो फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर रखना है। ये मैंने सारे पीस एक एक करके डाल दिए हैं तेल में। ये देखिए धीरे धीरे कलर आना शुरू हो गया है इस पे। अब जो हमारी प्याज थी उसको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में, शिमला मिर्च को भी मोटे टुकड़ों में काट लिया है, कड़ी पत्ता लेंगे, 3-4 लहसुन के पीस लेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट में ये हमारी फ्राई हो जाएगी। अब इसको टिश्यू पे निकाल लेंगे चिली को, इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सारे पीस हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब दूसरे तवे पे मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे इसमें। ये लहसुन डाल देंगे जो हमने 3-4 पीस लहसुन के लिए थे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और जो हमने प्याज और शिमला मिर्च मोटी मोटी काटी थी उसको भी डाल देंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ये कच्ची कच्ची रखने में बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा सा हाथों से इसको प्याज को तोड़ देंगे, इसके पीसेस निकलने लगेंगे। ये देखिए ऐसे करके
इसको सिर्फ 2 या 3 मिनट तक के लिए सॉटे करना है, ज़्यादा देर तक करेंगे तो ये सॉफ्ट पड़ जाएगी। ये देखिए प्याज के ऐसे टुकड़े निकल जाएंगे। अब हम अपने सारे चिकन के पीस इसमें डाल देंगे। आंच को हमें तेज रखना है। ये सोया सॉस डाल दिया, ये हमने 4 चम्मच टमाटो सॉस लिया था, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये आप कभी भी घर में बना सकते हैं, आपके घर में गेस्ट आए तब कोई भी आए, बहुत अच्छी लगेगी ये। ये लास्ट में हम 1 से 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। ये मेरी चिली चिकन तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई करिए। मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।